रुको जरा, क्या आप उनमें से हो जो जार्विस का सोर्स कोड लेने आए हो? तो क्या आप उन लोगों में से हो जिन्हें सिर्फ जार्विस बना बनाया चाहिए, या फिर उन्हें कहीं से कोड कॉपी पेस्ट करके बस बना लेना है? अगर आप इन दोनों में से किसी में भी हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप एक्चुअल में एक जार्विस स्क्रैच से पूरे अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो, वो भी प्रोफेशनल वे में, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सारी चीज़ें एक एक फ्रेज में कंप्लीट करते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर एंड डिले, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। टुडे इज द डे 2 ऑफ क्रिएटिंग रियल लाइफ जार्विस विद एडवांस ट्यूटोरियल। तो इफ यू रिमेंबर, इन लास्ट वीडियो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि आपको VS कोड इंस्टॉल करना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना। VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, साथ ही पाइथन का कंपाइलर कैसे सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास एक कोड एडिटर है और साथ में उसका कंपाइलर है। साथ में हमने एक फोल्डर बनाया था, जिस फोल्डर को हमने VS कोड की हेल्प से ओपन किया था और उसके अंदर अपना पहला प्रोग्राम लिखा था। और जिन लोगों का यहाँ तक हो गया था उन लोगों ने कमेंट भी किया था कि हाँ यहाँ तक हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप जैसे ही अपना कोड एडिटर ओपन करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पाइथन एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इसमें इंस्टॉल करने के लिए आएगा। तो अभी एक्सटेंशंस होते क्या हैं? एक्सटेंशंस कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपके VS कोड को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करते हैं जिससे आपको कोड करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 स्पेशल कोड एडिटर एक्सटेंशंस का नाम बताने वाला हूं और साथ में सेटअप करवाने वाला हूं, जो आपके जार्विस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ ही उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो एक एक्सटेंशन है Tab9, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हो तो आपने ज़रूर इंस्टॉल करके रखा होगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उसे अनइंस्टॉल कर दो। जी हाँ, आप उसे अनइंस्टॉल कर दो, बिकॉज अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो कोडिंग करते समय आपको GPT और ऐसे AIs की हेल्प नहीं लेना है जो आपको कोड लिखते ही आपको सजेशन देना स्टार्ट कर दें। रीज़न, बिकॉज ये आपको सोचने में मजबूर करते ही नहीं है। और अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिना सीखे हुए सारे सजेशंस देख लिए और टैब बटन में क्लिक करके सारे कोड्स ऑटो करेक्ट कर लिए, तो आप सीख नहीं पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के एक्सटेंशंस के नाम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस दिख रहे होंगे, इसमें आपको एक्सटेंशन वाले सेक्शन में करना है क्लिक। सबसे पहले आपको पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। इसके इंस्टॉल करने से आप पिप को अच्छे तरीके से रन कर पाओगे, साथ ही आप अपने कोड को और भी अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे। सेकेंड सेटिंग्स क्या है, आप फाइल, यहाँ सबसे ऊपर आपको टॉप में फाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑटो सेव का ऑप्शन आपका टिक नहीं होगा अगर आप पहली बार VS कोड को इंस्टॉल करते हो, तो इसे ऑटो सेव में आपको क्लिक कर देना है। इससे आपको कभी भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि VS कोड में आपको सारी फाइल सेव करने के बाद ही एग्जीक्यूट की जाती है। तो अगर आपने ऑटो सेव ऑन करके रखा है तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। लेट्स मूव ऑन द एक्सटेंशन पार्ट। एक्सटेंशन में अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस आते हैं जो मैंने अपने नोटपैड में लिख के रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और हियर आर द एक्सटेंशंस जो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमने दिखाया कि जैसे पाइथन का हमने इंस्टॉल कर लिया। अब सेकेंड क्या है, कोड रनर। कोड रनर क्या होता है, तो अभी आप फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ना एक बटन मिल रही है मुझे, ठीक है, रन करने के लिए। लेकिन ये बटन शायद आपके जो एक्सटेंशन है उनमें ऐड ना होगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कोड रनर और एंटर प्रेस कर सकते हो। और उसके बाद क्या होगा कि कोड रनर, यहाँ पे आप देख सकते हो कोड रनर का ऑप्शन मिल गया है, विजुअल स्टूडियो कोड रनर है, बट आपको ये वाला मैं रेकमेंड करूँगा, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा कि आप सारी लैंग्वेज, ना सिर्फ पाइथन बल्कि आप सारी लैंग्वेजेस में भी इसे अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। ये आपको एक वर्चुअल यहीं पे आपको रन बटन देता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कोड को और भी ज़्यादा एफिशिएंट और कंपाइलेशन को और भी ज़्यादा बेटर बना लेते हो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन की। नेक्स्ट एक्सटेंशन है आपका प्रीटियर। इस पे आपको ये करेगा क्या, मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपका करेगा क्या, फॉर्मेट आपका सही करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता है कि आप कोड जो लिख रहे हो उसका फॉर्मेट सही है या नहीं, आपको जहाँ पे जो चीज़ें लिखनी है उसका फॉर्मेट सही है या नहीं, तो ये आपकी हेल्प करेगा फॉर्मेट को पहचानने में।
लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्सटेंशन। थर्ड एक्सटेंशन है स्टाइल लिंट। अभी आप यहाँ पे ये जो सारे एक्सटेंशन हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे के सारे आप इंस्टॉल कर लेना। पहले नंबर पे आपको स्टाइल लिंट का मिलेगा ऑप्शन, इसे इंस्टॉल कर लेना। टाइम के साथ आप समझ जाओगे कि मैंने आखिर क्यों इसे इंस्टॉल कराया था। अभी इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, आप अलग अलग डिफरेंट एरर्स और चीज़ें आप देख पाओगे अपने ही पीसी के अंदर विदाउट कोड को रन किए हुए। इससे क्या होगा, आपका कोड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्सटेंशन, इम्पोर्ट कॉस्ट। अब ये क्या है, इम्पोर्ट कॉस्ट एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, आपको पता चलेगा कि आपने जो भी मॉड्यूल इम्पोर्ट कर रखा है उस मॉड्यूल का साइज़ क्या है। अब इस हमें साइज़ क्यों पता करना, क्योंकि कई बार क्या होता है जो एडवांस डेवलपर होते हैं वो पूरा प्रोग्राम डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उनका जो जैसे फॉर एग्जांपल हम जार्विस बनाने वाले हैं तो जार्विस का जो साइज़ है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा अगर हम मॉड्यूल्स पे ध्यान नहीं देंगे तो इसी के लिए हम उन्हें मॉनिटर करते जाएंगे कि जैसे अगर हमने कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट किया तो राइट साइड पे हमें उसका साइज देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या है हमारा, नेक्स्ट एक्सटेंशन है लाइव शेयर। अब ये लाइव शेयर क्या काम करता है वो बता देता हूँ। लाइव शेयर काम करता है कि अगर आपने कोड लिखा है तो कोड लिखने के बाद आप उस कोड को अपने ही किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, और वो तुम्हारे ही कोड एडिटर में अपनी स्क्रीन से कोड कर सकता है, एडिट कर सकता है, ठीक है। ये हेल्प करता है आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड को शेयर करने में, ठीक है। इसके बारे में आप अगर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जार्विस सीरीज के अंदर ही अगला वीडियो इस पर बना दूंगा। अगर 5 कमेंट से ज़्यादा आते हैं लाइव शेयर वाले एक्सटेंशन के बारे में कि आखिर हम कैसे करते हैं, तो मैं उसका डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, और अगर नहीं आते हैं तो आपके जार्विस की कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट है इंटेलीसेन, इसे मैं यहाँ पे करूँगा रन। ये क्या करेगा, बहुत सारी इंटेलिजे की एबिलिटीज़ हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं वीएस कोड के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेमो चल रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो आप जैसे कि पाइचैम के अंदर करते हो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम समझ में आ जाएंगी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं। अभी आपको ना ये थीम बहुत ही बेसिक सी लग रही होगी और आप देख रहे होगे कि मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ। ये ऑप्शन अगर आपके पास ना हो तो आप सबसे पहले अपने सेटिंग्स वाले सेक्शन में क्लिक करें और सेटिंग्स पे जाएं। सेटिंग्स पे जाने के बाद टॉप पे आपको सर्च करना है माउस। माउस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो माउस व्हील जूम, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ये आपका अनेबल नहीं होगा, इसे आप टिक कर दोगे तो आपका जो कर्सर है उसकी हेल्प से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसी तरह आप टर्मिनल पे भी कर सकते हो, उसके लिए भी आप चेक मार्क करके टर्मिनल में भी आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ तक हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद अभी मैं आपको डाउनलोड कराना चाहूँगा आइकन पैक। आपको यहाँ पे टाइप करना है आइकन पैक। आइकन पैक टाइप करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे वैरायटी आइकन पैक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इनमें से आपको जो भी सबसे बेटर लगे, जो भी आइकन पैक, अब ये डिपेंड्स है आपके ऊपर कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप कौन सा बनाना अपने जार्विस के अंदर रखने वाले हो या फिर इंटरफेस के, ये थीम्स के ऊपर है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ट्राइज आइकन पैक को इम्पोर्ट कर लूँगा ताकि मैं एक अच्छा इन्वायरमेंट, क्योंकि आप जब भी कोड करने जाते हो ना, कोड करने के पहले आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए आपका। अगर यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक ऑलरेडी इंस्टॉल था, बट मैं आइकन पैक डिफॉल्ट वाला हटा के उस पर इसकी जगह, यहाँ पे देख सकते हो मेरा पाइथन का जो लोगो है वो हो चुका है यहाँ पे चेंज, ठीक है। तो ये होता है आइकन पैक। अब यहाँ पे आपको एक थीम अच्छी सी ले लेनी है। अब आप थीम अपने हिसाब से देख सकते हो, आप आराम से सर्च कर सकते हो, जो भी थीम आपको अच्छी लगे वो थीम आप ले सकते हो, उसे रख सकते हो अपने वीएस कोड के लिए। मैं ज़्यादातर नाइट आउल प्रेफर करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नाइट आउल, तो यहाँ पे स्टॉप पे आ गया है, ये देख सकते हो नाइट आउल, और यहाँ पे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं नाइट आउल के अंदर। मैं इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इसका कलर रहता है और अच्छा लगता है काफ़ी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि VS Code के अंदर हम आ चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैंने प्रिंट लिखा और हेलो जार्विस लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से मुझे ये, क्योंकि मेरा फोकस ना कोड पे है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ मैं कोड को ही फोकस कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें हल्की हल्की आपको कम दिख रही हैं, बिकॉज आपका फोकस उतना उधर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं नाउ नाइट ऑल प्रेफर करता हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। अभी क्या हम इसे और भी बेटर बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हो, अपने हिसाब से आप देख लो। नाइट ऑल ब्लैक रखना है, नाइट ऑल ब्लैक रख लो। थीम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा आपका नाइट ऑल ब्लैक। अभी हम साउंड इफेक्ट डालने वाले हैं अपने टाइपिंग में। मैं हैकर साउंड नाम का एक एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, जो मेरे कोडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो अब साउंड के साथ मैं कर सकता हूँ अपनी कोडिंग। कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और वो सारा साउंड इफेक्ट के साथ आएगा। तो ये चीज़ आप खुद से ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए बिकॉज मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो वीडियोज़ में साउंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, तो मैं इसलिए इसे अनइंस्टॉल कर दूंगा। बट हाँ आप इसे ट्राई कर सकते हो, मज़ा आएगा आपको। तो ये थे एक्सटेंशन पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? तो आज की वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे वर्जन कंट्रोलिंग। आप जब भी किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो, या फिर आप किसी का टेस्ट दे रहे होते हो, या फिर अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे होते हो, वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपको मेंशन करनी होती है कि क्या आपको वर्जन कंट्रोलिंग आती है या नहीं। तो वो कैसे आपको, ये वर्जन कंट्रोलिंग क्या होती है, वर्जन कंट्रोलिंग कैसे करते हैं और ये फिर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियोज़ में और अपने सीरीज़ में भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक गिट नाम के टूल के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि अगर आपको गिट के बारे में अभी तक नहीं पता है, तो आपको मैं बता दूँ कि गिट एक टूल है जो गिटहब में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। तो आपको एक गिट की वेबसाइट मिल जाएगी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीन में देख के विजुलाइज कर सकते हो। सिंपली आपको टाइप करना है गिट डाउनलोड और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो विंडोज़ के लिए, मैक यूज़र हो मैक के लिए, और फिर आपको यहाँ पे अपने बिट के हिसाब से, जैसा कि मेरा 64 बिट है, इसे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड में लगा लेना है। मैं डेस्कटॉप पे ही रखूँगा। डेस्कटॉप पे आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो, इंस्टॉल करने के बाद उसे हटा भी सकते हो ताकि आपके पीसी में कोई भी गार्बेज फाइल ना रहे। तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम और यहाँ से आपका गिट हो जाएगा इंस्टॉल सक्सेसफुली। गिट यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मिल देना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन। परमिशन देने के बाद करना है नेक्स्ट में क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक, यस। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या आप इसे डेस्कटॉप पे रखना चाहोगे? मैं बोलूँगा हाँ, बिकॉज मैं कई बार ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। एड टू गैस वैश प्रोफाइल करना है क्या? तो बोलते हैं हाँ। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट में क्लिक, फिर अगेन नेक्स्ट में क्लिक, फिर क्लिक, फिर क्लिक, फिर क्लिक, फिर क्लिक, अगेन क्लिक, एक बार और क्लिक, काफ़ी क्लिक यार, इनफ क्लिक। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कई बार क्लिक क्लिक करते करते लास्ट में आपको एक इंस्टॉलेशन सेक्शन मिलेगा और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है सक्सेसफुली। अब ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप गिट का यूज़ करने वाले हो अपने जार्विस प्रोजेक्ट के अंदर। एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जितनी भी प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्लेसमेंट के लिए हो या फिर आपके घर के डेली यूज़ के लिए हो, मैं सारी चीज़ें आपको इन सीरीज के अंदर क्लियर कर दूंगा, ताकि आप ना सिर्फ जार्विस को बनाना सीखें, यूज़ करना सीखें, आप और भी चीज़ें बहुत सारी इंक्लूड करके सीख सकें, ताकि आपका फ्यूचर और भी ब्राइट हो सके। मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। तो सबसे पहले अभी आपको अपने नहीं, आपको अपने नहीं, मेरे गिटहब प्रोफाइल में आना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, बिकॉज सोर्स कोड्स वगैरह सारे आपको वहीं से मिलते हैं। फॉलो का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, आप फॉलो कर लेना। अभी मैंने हाल ही में, फिलहाल में एक चैटबॉट प्रोजेक्ट बनाया है,
यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट, तो इसे मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। पोस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस पे एक प्रपोजिटरी बना के इसकी डिटेल्ड चीज़ें डाली है। लेकिन अगर आपको इसे डाउनलोड करना है और यूज़ करना है तो ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे यार कोड वाले सेक्शन में क्लिक करो और यहाँ से डाउनलोड कर लो। लेकिन अगर मैं ये तरीका नहीं अपनाना चाहता तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, मैं इसे कॉपी करूँगा और गिट की हेल्प से मुझे इसे क्लोन करना है अपने जार्विस वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। तो दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। या तो इस फोल्डर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके गिट बैश के अंदर ड्रॉप कर दो, ठीक है, गिट बैश के अंदर ड्रॉप कर दो। इससे होगा क्या कि आपका ये जो फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा गिट बैश के अंदर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे कमांड टाइप करना है गिट क्लोन, और आपका यूआरएल, जो भी आपने यूआरएल दिया ना, उस यूआरएल को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ गिट क्लोन, और यहाँ पे आपका कंट्रोल भी काम नहीं करेगा, आपको माउस कर्सर से ही लिखना है। और यहाँ पे देखो आ चुका है लिख के क्लोनिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो सक्सेसफुली डन हो गया। अभी अगर मैं अपने जार्विस का फोल्डर ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट क्लोन होके पूरा आ चुका है इसके अंदर, है ना। तो ये है कमाल की चीज़ गिट बैश। तो फॉर टुडेज वीडियो दिस इज इनफ। आज तक आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसे आप खुद से बैठ के ट्राई और इम्प्लीमेंट ज़रूर करना एक ना एक बार, बिकॉज देख के कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने खुद से कर लिया तो आप अपने ऊपर प्राउड ज़रूर करोगे एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर स्टार्ट करेंगे अपने जार्विस की रियल जर्नी।